नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। क्या आपने इस कंपनी को बाई किया या फिर नहीं बाई किया, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका एक सपोर्ट लेवल बताया था जो कि 50 रुपये के पास बनता था। शॉर्ट टर्म वालों को अपना स्टॉप लॉस लगाना था 48 रुपये के पास में, और आप देखेंगे यह कंपनी जस्ट उसी के पास में सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। आज इस कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला। आप देखेंगे 12% के ऊपर जाकर यह कंपनी क्लोज हुआ है। तो ऐसे में क्या इस कंपनी को अभी बाई किया जा सकता है? कंपनी के लिए टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, सब कुछ एनालाइज करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। सबसे पहले अगर इस कंपनी के हम टारगेट की बात करें तो यह कंपनी 65 रुपये को अगर ब्रेक करके उसके ऊपर निकलता है तो 72 से 75 रुपये का अगला टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएगा। यानी कि 65 रुपये के ऊपर आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। आपका स्टॉप लॉस 62 रुपये का होगा और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 72 से 75 रुपये के बीच में होगा। यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल आपको देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल बने रहें, जो लोग बाई करना चाहते हैं वो भी चाहे तो बाई करके चल सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यह एक पैनी शेयर है, तो उतना ही अमाउंट लगाएं जितना आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है। बहुत ज्यादा अमाउंट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।